वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट पेश किया, जिसमें कई तरह के बड़े ऐलान किए गए थे। इस बार के बजट में रेलवे के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है। रेलवे को 9 गुना ज्यादा फंड का आवंटन किया गया है। इन सब के बीच में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आम जनता के लिए बड़ा ऐलान किया है, जिसका फायदा देश के करोड़ों यात्रियों को होने वाला है। इसी के साथ ही सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट पर भी रेलवे मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, रेलवे की तरफ से कोरोना से पहले देश के करोड़ों सीनियर सिटीजन्स को रेलवे किराए में छूट दी जाती थी, लेकिन बजट के बाद रेल मंत्री ने इस पर बड़ी जानकारी दी। इस बार यात्रियों को उम्मीद थी कि बजट में एक बार फिर से रेलवे किराए में छूट को बहाल कर दिया जाएगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोरोना महामारी से पहले देश भर के सीनियर सिटीजन्स को रेलवे की तरफ से किराए में छूट दी जाती थी, लेकिन साल 2020 में आई कोरोना महामारी के बाद इसको बंद कर दिया गया था। पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इसका फायदा मिलता था। बता दें, देश भर की महिलाओं को 50% छूट मिलती थी, वहीं पुरुषों को 40% छूट का फायदा मिलता था। कोरोना महामारी के बाद स्थितियां सामान्य हुई तो सभी को उम्मीद थी कि रेलवे फिर से किराए में छूट को बहाल कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेल मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन में सफर करने वाले सभी नागरिकों को किराए पर औसतन 53% का डिस्काउंट मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।